कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार हम नहीं जानते। सम्यक पखरेल क्या रहने पाली, नहीं मालूम था ना पवन सिंह को? नहीं जानती थी ना पवन सिंह को तुम? जी हाँ, तो फिर हमारी यूट्यूब चैनल एक्सेल वेंचर हमने आप तमाम लोग का स्वागत है। तो आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके का न्यूज मिल रहा होगा पवन सिंह और पोखरेल का। अब उनके साथ एल्बम गाना फिल्म नहीं करेंगे पवन सिंह। वजह क्या पता है आप लोगों को? नहीं मालूम है? सौम्या पोखरेल, अगर आप मेरी वीडियो को देख रही है तो जैसा ध्यान से कान में हेडफोन हटा करके कान लगा करके सुनिएगा हमारी बात। मालूम है आपको एक साल पहले आपने क्या बोला था एक निजी इंटरव्यू में? पवन जी कौन है? पवन जी हम नहीं जानते। मैं टैटू लिए थे खेसारी लाल यादव जी का, और आपको मालूम था कि मैं खेसारी लाल यादव जी को चूतिया बना करके उनसे पब्लिसिटी ले लूंगी और वो आप मतलब आपके मकसद में सक्सेस हो गए, कामयाब हो गए। ठीक है, जीवन के लिए मेरे को अपने हाथों में रख लिया। ये दीवानगी बहुत कम ऐसे लोगों में होती है। और थैंक यू सो मच सौम्या। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स मिल गए, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइबर्स मिल गए, आपका काम चलने लगा, एल्बम्स भी बहुत सारे किए, फिल्म में भी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी हाल फिलहाल, जो कि अभी रुका हुआ है, विवाद की वजह से रुका हुआ है। कौन सा फिल्म है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं बता दूं आप लोगों को कि ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग थी। पवन सिंह हूं बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो बस दिमाग में पवन सिंह का यही चल रहा था, क्योंकि भाई पवन सिंह है, सिंह समझ रहे हैं, सिंह है तो भैया मेरे टाइम तो लेते हैं लेकिन दमदार वार करते हैं। सौम्या पोखरेल कहती है कि पवन सिंह कौन जानते हैं? नहीं, हम जानते ही नहीं है भाई मेरे, हमको उससे मतलब भी नहीं है। और अब क्या हुआ क्या कि खेसारी लाल यादव जी के साथ वो सौम्या पोखरेल पूरी तरीके से काम करके बैठ गई, थक गई, ठीक है, वो पुरानी हो गई, तो अब उनको काम नहीं मिल रहा था खेसारी लाल यादव जी की तरफ से। ठीक है, तो अब वो सोच रही थी कोई बड़ा मछली फंसा है सौम्या पोखरेल। तो अब क्या हुआ कि रील्स बनाने लगी पवन सिंह के गाने पे, ठीक है, और चांस मारने लगी पवन सिंह के ऊपर। तो जाहिर सी बात है पवन सिंह भी भैया मेरे दिमाग का बिस्खोपड़ा आदमी है, बोले बेटा तू आओ ना हमारे गियर में, आज ना कल तुमको हम समझाएंगे ही समझाएंगे। पवन सिंह का एक इवेंट होता है, ठीक है, और इवेंट में बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स आते हैं, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, कुदत करके ये सौम्या पोखरेल भी पहुंच जाती है उस इवेंट में, क्योंकि इसी तरीके से पब्लिसिटी उस जमाने में मिली थी। याद है आप लोगों को पवन खेसारी लाल यादव जी का एक स्टेज शो हो रहा था उस जगह पे, कह रही थी ना खेसारी जी के साथ हम भी आए के चाहतनी, और आपने लगिन के सपोर्ट माया आशीर्वाद रही तो जरूर आए। उसी तरीके से एक इवेंट में सौम्या पोखरेल पहुंच गई, और पहुंचने के बाद वो कहती है कि हमें आपके साथ काम करना है। पवन सिंह है भैया, पवन सिंह मूड बनने में देर लगता है, बस वही वो जी जो सोच रहे थे पवन सिंह वो घड़ी उनके लिए आ गई। आने के बाद वो बोलते हैं ऑन स्टेज ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि मैं सौम्या पोखरेल के साथ काम करूंगा और मैं इनको एल्बम में लीड रोल दूंगा। ये सारे अनाउंसमेंट हो जाते हैं, हल्ला हो जाता है, बवाल हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग थी पवन सिंह का। ठीक है, अभी मैं बताता हूं आपको एकदम से डिटो समझने वाली बात, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। हुआ यूं कि सौम्या पोखरेल को कोई काम नहीं दे रहा था, छोटे मोटे कलाकार से संपर्क में बनी हुई थी, छोटे मोटे सिंगर्स के साथ वो काम कर रही थी, कुछ पैसा आ जा रहा था, ठीक है, और भी बहुत सारे सिंगर्स के साथ पेंडिंग थी एल्बम करने के लिए। ठीक है, तो उनके कुछ चाहने वाले बन गए थे। अब जैसे ही पवन सिंह के साथ ये बॉन्डिंग बनती है तो जितने भी पीछे के जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं वो नाखुश हो जाते हैं। क्यों नाखुश हो जाते हैं? इसलिए कि खेसारी लाल यादव जी के जितने भी फैंस फॉलोइंग थे, खेसारी लाल को चाहने वाले लोग होंगे, ठीक है, अब उनको फॉलो कर लिया, वो चली गई उनके विरोधी पे, पवन सिंह के पास चली गई, तो अब क्या है कि उनके फॉलोअर्स जितने भी है वो गुस्सा करने लगे और उनको अनफॉलो अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिए सौम्या पोखरेल को। तो पवन सिंह का एक निशाना तो ये सक्सेस हो गया। उसके बाद पवन सिंह ये कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कि हम तुम्हारे साथ एल्बम करेंगे, और करने के बाद पूरा हल्ला हो जाता है और अपने ही पवन सिंह अपने ही ऑडियंस अपने ही पेड यूट्यूब क्रिएटर्स से ये बोलवा देते हैं कि जितने भी ऑडियंस है आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, इस तरीके से आप न्यूज बनाइए, ठीक है, ताकि हमें ये बोलना होगा कि हम अब सौम्या पोखरेल के साथ नहीं काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे जो ऑडियंस हमारी जो जनता है वही हमारी भगवान है, वो जो बोलेगा वही मैं करूंगा। तो एक
तीर से दो निशाना पवन सिंह कर लिए। एक तो जितने भी खेसारी लाल के ऑडियंस थे ये सुने होंगे कि पवन सिंह के साथ अब सोमे पोखरियाल काम करेगी, तो अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिए, नाखुश हो गए। उसके बाद पवन सिंह का करके ये बोल दिए कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, और वो भी अपने मुंह से नहीं बोले भैया मेरे, क्योंकि कहा गया ना पवन सिंह है मूड बनने में देर लगता है, तो अपने मुंह से नहीं बोले। क्या तो उनके मैनेजर जो दीपक सिंह है वो एक मतलब एक पोस्ट डाल करके जाहिर कर दिए कि नहीं होगा, पोस्ट देख लीजिए आपको तो समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये प्लानिंग थी। सौम्य पोखरियाल आप कहां जाओगे, नेपाल में भूखा नंगा देश में आप नाचोगी गाओगी, क्या मिलेगा तुमको? कुछ मिलने वाला भी है? रत्ती भर भी चमन्नी नहीं मिलने वाला है तुमको। और तो और जितने भी छोटे मोटे कलाकार हैं, आज के बाद आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि सौम्य पोखरियाल को कभी भी जिंदगी में काम मत दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में तलवे चाटने वाली लड़की है, सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर और उधर से उधर करने वाली लड़की है, सिर्फ और सिर्फ इसको फैंस फॉलोइंग चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए और काम चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे महाराज, जो अपने बाप का ना हो पाई वो तुम्हारा क्या घंटा होगी? बाप ने था जी खेसारी लाल हाथ में उसके, हैं? उसका तुम नहीं हो पाई रे, हैं? कहती है वही सेम डायलॉग कि खेसारी लाल कौन नहीं जानते हैं हम खेसारी लाल, पवन सिंह का डायलॉग। पवन सिंह खुश हो जाएगा, पवन सिंह बहुत ही माइंड वाला बंदा है, खोपड़ी लगा नहीं दिया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी लाइफ बर्बाद, करियर बर्बाद, देखते हैं कौन तुमको काम देता है। और हम जैसे लोग रहेंगे ना तो कभी जिंदगी में तुमको काम नहीं दिलवाएंगे, चैलेंज देते हैं, क्योंकि तुम जैसे लोगों के पीछे हम पड़े रहते हैं। छुट्टियां बनाती है भोजपुरी इंडस्ट्री में, बिहार को बदनाम करेगी नेपाल में, नेपाल से आकर के चलते हैं तुम्हारे नेपाल में, देखते हैं कि कितने बड़े बड़े स्टार लोग हैं, स्टार लोग तो तुम्हारे नेपाल वाले लोग हमारे पास आते हैं, नाचते हैं बार बार में, ठीक है, पैसा लेते हैं, पैसा फेंकता हूं मैं इससे करके, समझ में आई ये बात को? चले हैं नेपाल से बिहार में आकर के अपनी करियर बनाने के लिए, और इस तरीके से गंदा सोच रख करके, दिमाग गंदा सोच रख करके, महाराज गलत बात है, इस तरीके से करोगे कहीं के नहीं रहोगे। बातें क्लियर, गलती बोलता हूं नहीं, जो सच होता है सच बोलूंगा। जल्दी ही किसी और का इंटरव्यू लेने वाला हूं, बहुत बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लूंगा मैं, अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। प्लीज आप तमाम लोगों से गुजारिश है यार, मुझे भी सपोर्ट करिए ना, करिए, मैं भी बिहार का ही हूं, औरंगाबाद बिहार का ही हूं मैं, ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। बड़े बड़े कलाकारों से मैं इंटरव्यू लूंगा और आप लोगों को सही अपडेट दूंगा। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जब कर दीजिएगा तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे जय हिंद।